का कर रही हो? क्रीम लगा दे, बता दे पर कैसे? ए भाभी क्रीम का होते है? क्रीम देखो तो कितनी निकी है, लगा थे भाभी बोल रही हमें लग रही जो पढ़े लिखे को खानदानी नहीं है, जे जो तब क्रीम नहीं जान रही जी का चीज है का नहीं है। तो बहू ने क्रीम जो रहे वो हथेली बताते देवर बोले भाभी क्रीम है तो ने कमो दे दे। सो भाभी ने एक लई क्रीम हथरिया बताते यो देवर भाग ठाड़ो बन जा नहीं देखो कि भाभी क्रीम निकाल के का कर रही। अब भी हथरिया धर के देख रहे कि देखो करे तो का करे, उनने जीव लगाई और चाट लई। जब चाट लई तो थोड़ी ने का दी मीठी लगी हो या अनुराग भैया, जब ने मीठी लग गई फिर भाभी ढेगा भाग ठाड़े भाई बोले भाभी भाभी निक थोड़ी और दे दे। भाभी बोली ये का कर आयो? बोले कछु नहीं भाभी हम चाट आए। भाभी बोली चाट आए? अरे पागल का चाटने वाली चीज है? बोले हम का जाने तुम अतरी आप धरे तो हमने जानी जब खाई जे सम चाट आए बहुत अच्छी लगी ने कह दे दे। तो भाभी ने गुस्सा के मारने और दे दी मैंने बहुत चाट लाई। अब तिसरिया जब गए बोले भाभी ने क्रीम दे दे। सो भाभी ने गुस्सा के मारे तार से गल में तमाचा दो डाला, पूरा घर न पड़ी पर नहीं पड़ गया। जब तमाचो गाल पे लगो तो याद किन की आई है? उन्हें भैया जो खेत में हल चलाए रहे तो नोनी काट रहे, आज भैया की याद आई तो मेड़ पर ठाड़े होके बोले ओ भैया तुम तो यहाँ पे हल चलाए रहे हमें हमारे भाभी ने मारो। अब बिटिया रहे में और लड़का सुन में भी सुन है आगे पीछे दाएं बाएं सामने भी बिल्कुल अंगूठा टेक। बिटिया दादी पढ़ो लिखो है सो जो भैया जो बद आग रहे तो कोई पहना हाथ में लो और जाए के आज अपनी पत्नी के आंगन में पहुंचे जहां वे खूब अच्छी तरह से सिंगार कर रही। अब देखो पढ़े लिखे और अनपढ़ में कितना फर्क होता है। बे हाथ में पहना लेके बोले ए उल्ली की पट्टी तूने मेरे भैया को मारा, ए धरा इधर आ। अरे उल्ली की पट्टी तूने मेरे भैया को क्यों मारा? ए सुनाई नहीं दे रहा, ये बता तूने मेरे भैया को क्यों मारा? तुम्हारे भैया भैया को मारो तो हम किसी लगाते तुम्हें भैया ने मारी तो हिले ही दोले चाच लगी सा। ए नालायक तेरा देवर था तूने उस मेरे भैया को हाथ कैसे छू लिया? हाँ थोड़ी छुओ तो हमने चप्पल मारते हो तो बच्चा। तो बिटिया बोली बताओ जी हम तो कात उल्लू की पट्टी हमारी बुआ काती लड़का बहुत संस्कारी बीए करे जेई पढ़े लिखे तो बुआ आई से बुआ को हाथ पकड़ के बैठ गई। बिटिया रोन लगी और रोए के बोली बुआ सुन तूने तो मेरी किस्मत में ही आग लगवाई दी। तो बिटिया रोए के अपनी मटिया से बोली कि एक दिन बोली पिया तो उल्लू के उल्लू ही निकरे निकरे दीवर होड़ को छुल्लू बबड़िया मजियाद पहुंची बोले मजिया तूने मेरी शादी ऐसे घर में करवाई थी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुमने जो कही थी कि लड़का पढ़ो पढ़ो लिखो है बुआ आपने कहा था बहुत संस्कारी घर परिवार है लेकिन बुआ हमारे तो भाग फूट गए। एक दिन की बात बताऊं चॉकलेट सिंगार बनाऊं चॉकलेट सिंगार बनाऊं चॉकलेट सिंगार बनाऊं एक दिन की बात बताऊं चॉकलेट सिंगार बनाऊं चॉकलेट सिंगार बनाऊं।
घूमत घूमत देवरी आयो हसन के हमसे बतलायो क्रीम को डब्बा हाथ उठायो क्रीम को डब्बा हाथ उठायो सावन को महीना के बाद होली को त्योहार आओ पहली होली रहे हमारो भैया हमें लिवान के लगे तो भैया ने कही जीजा सूट के से लेके कानपुर के अड्डा पे आ जाइयो भैया ने कही अड्डा पे लेकिन हमारे सैया ने कहा देखो हुआ सुनो भैया कहिए अड्डा पे बैठाड़े देखे गड्ढा पे बैठाड़े देखे गड्ढा भैया कहिए अड्डा पे बैठाड़े देखे गड्ढा पे बैठाड़े देखे गड्ढा पे ओ बुआ मेरा पाग फूट जाओ अरे अनपण पिया बंधे पल्लू पर तो उल्लू के हुई करे करे बना होड़क चुल्लू कहने का मतलब कहने